ओए विनु, ऐसे क्या देख रही हो? विनु हूँ मैं, विनु। विनु, ये क्या वेश बना रखा है? और इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि अब हमारे दिन फिर गए हैं। अब क्या? अब तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी की सेवा चाकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। बुआ, अब तो तुम रानी महारानी की तरह राज करोगे, राज। ये देखो बुआ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ बुआ। हाँ देखो, ये सब क्या है? ये धन है बुआ, धन। धन? इतने सारे आभूषण कहाँ से लाया है तू? किसने दिए तुझे? तुम्हारे गणेश ने नहीं दिए बुआ। तुम जीवन भर जिस निर्मोही और निष्ठुर की पूजा करती रही, क्या दिया उसने तुम्हें? सच सच बता विनु, कहां से चुरा कर लाया है तू इन्हें? किसका गला काटा है तूने? अरे किसका संसार उजाड़ा है? मुझे तेरी लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हुआ। मैं कोई भी काम चोरी चुपके नहीं करता। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि बहनों जो कुछ भी करता है टंके की चोट पर करता है। और ये आभूषण भी मैंने अपने बाहुबल से प्राप्त किए हैं, अपने बाहुबल से। इन्हें रख लो बुआ। नहीं विनु, जब तक तू सच सच नहीं बताएगा मैं इन्हें नहीं रखूंगी। जहां से लेकर आया है वहीं जाकर फेंक दे इन्हें। अरे पराई संपत्ति का मूल्य मेरे लिए केवल कंकड़ और पत्थर से अधिक नहीं। मैं जो भी चीज किसी को एक बार दे देता हूँ दोबारा वापस नहीं लेता बुआ। तुम तो जानती हो, मेरी बात मानो, इन्हें रख लो बुआ, रख लो। मैं तो अब तुझे भी अपने साथ नहीं रखूंगी। तू मेरे साथ रहने योग्य रहा ही नहीं। चाल चलन बिगड़ गया है तेरा, जा, चला जा। मैं यही समझूंगी कि अपने भाई और भाभी को दिया हुआ वचन मैं पूरा ना कर सकी। चला जा यहां से। मैं भी इस झोपड़ी में रहने के लिए नहीं आया था बुआ, केवल तुम्हें यह भेंट देने के लिए आया था। ठहर जा, इस पाप की गठरी को भी अपने साथ लेता जा। ये सब क्या हो गया? हे प्रभु, ये सब क्या हो गया? धीरज रखो देव की बहन, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा गीत की? क्या ठीक हो जाएगा? श्री गणेश जी की कृपा पर विश्वास रखो देव की बहन, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? अरे विनु पाप और दुष्कर्म की राह पर चल पड़ा है और मेरे दीनों का कुछ पता ही नहीं। क्या ठीक हो जाएगा? धैर्य रखो बहन, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जन्म देने वाले माता पिता का पता आपको बताना ही होगा राजपुरोहित जी। उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। युवराज? नहीं राजपुरोहित जी, ये प्रश्न आपसे युवराज नहीं, एक ऐसा युवक कर रहा है जिसने अपने जन्म के 23 वर्ष बिना अपने जन्म देने वाले माता पिता को देखे बिता दिए। मुझे निराश न करें राजपुरोहित जी, मेरी प्रार्थना पर कृपा करें। मैं आपके सामने, मैं जानता था ये अवसर आने ही वाला है। मैंने महारानी से भी निवेदन किया था कि इस रहस्य को रहस्य न रहने दें, परंतु जिस रहस्य को आप जानते हैं, इस रहस्य के विषय में मेरी जानकारी बहुत सीमित है युवराज। मैं आपको जन्म देने वाले माता पिता के विषय में
कुछ नहीं जानता। या आप उसके विषय में मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते? मुझ पर विश्वास करें युवराज, तब आपकी आयु केवल 13 माह की थी। मेरे परम मित्र यदुनाथ जी आपको यहां लेकर आए थे, परंतु वे अभी संसार में नहीं रहे। तो क्या मुझे जन्म देने वाले माता पिता को अब इस संसार में कोई नहीं जानता? विघ्नहर्ता श्री गणेश जिसके आराध्य हो, उसे ऐसा प्रश्न पूछना शोभा नहीं देता। वे अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। ये सत्य वे अवश्य जानते होंगे कि आपको जन्म देने वाले माता पिता कौन हैं, कहाँ हैं। परंतु मंगलमूर्ति श्री गणेश? मंगलमूर्ति सच्चे भक्तों के मन में ही निवास करते हैं। उनकी आकृति विराट और विशाल है, परंतु भक्तों की प्रेम भावना से प्रसन्न होकर वे उनके हृदय में अपना निवास बना लेते हैं। युवराज, आप उनकी आराधना करें। अवश्य। अब मैं अपनी आराधना से मंगल मूर्ति को प्रसन्न करके ही रहूंगा। राजपुरोहित जी, अब आप। युवराज, यदि आप अन्यथा न लें तो जाने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। अवश्य। आप इस बात को भूल जाने का प्रयास करें। कहना क्या चाहते हैं आप? अब आपके माता पिता महाराज और महारानी हैं। वे आपको अपने सगे पुत्र से भी अधिक स्नेह करते हैं। यहां आपको सुख सुविधा और सम्मान की कोई कमी नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि आपको कौशलपुर के युवराज के रूप में एक नया जन्म मिला है? कहना कितना सरल होता है ना राजपुरोहित जी। यदि मेरे स्थान पर आप होते, यह घटना आप पर बीती होती, तो क्या भूल सकते थे आप अपने जन्म देने वाले माता पिता को? मैंने अपने जन्म देने वाले माता पिता को खोजने का पक्का निश्चय कर लिया है, और मैं अब इस दुविधा की स्थिति में एक पल नहीं रहूंगा। आप महाराज और महारानी को बता दें कि मैं अब अपना संकल्प पूरा करके ही लौटूंगा। मेरी बात सुने युवराज चंद्रकेतु। युवराज, इस आघात से कौशलपुर के राज परिवार की रक्षा करना, हे विघ्नहर्ता गौरीपुत्र श्री गणेश, रक्षा करना। क्यों नंदी ब्रिंगी भैया, क्या तुम्हारा कभी ये स्वादिष्ट मोदक खाने का मन नहीं करता? करता है, बहुत मन करता है गौरीपुत्र। हम तो आपसे झूठ भी नहीं बोल सकते। जब माता ने ये मोदक आपको खिलाने के लिए दिए थे तो हम संयम नहीं रख पाए, और मुझे खिलाने से पहले ही तुमने मोदकों का भोग लगा लिया। ब्रिंगी, तुम्हें लाज नहीं आई? तुमने शिव गण होकर लोभ प्रकट करने का भयंकर अपराध किया है। नंदी महाराज, यह अपराध ना करके आपने भयानक भूल की है। ये आप क्या कह रहे हैं गौरी पुत्र? वही जो मुझे कहना चाहिए। लो ये मोदक खाओ। तुम दोनों तो मेरे बड़े भाइयों के समान हो। मेरे कैलाश पहुंचने से पहले तुम यहाँ पर विराजमान थे, इसीलिए यहाँ की हर वस्तु पर मुझसे पहले तुम्हारा अधिकार है। हे विनायक, मैं आपसे अपनी भूल की क्षमा। कैसी भूल, वो तो तुम्हारा अधिकार था। रसोई कक्ष में रखाओ, और हाँ माता से कहना। हम जानते हैं गौरीपुत्र कि हमें माता से क्या कहना है। क्या कहना है? यही कि आप भगवान भोलेनाथ के समान समाधि में लीन होकर आप अपने भक्तों का सुख दुख देखेंगे। ये बात तुम कैसे जानते हो नंदी महाराज? क्योंकि हम कैलाश पर आपसे पहले जो आए हैं। Ha 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 ha
शिवा गणेश। प्रणाम प्रभु, मुझे अज्ञानी के अपराध को क्षमा करे प्रभु, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। सत्य तो ये है कि मैं आपकी परम भक्त देवकी भुआ की भतीजे वीनू के दुष्कर्मों का पता लगा रहा था। मंगलमूर्ति, कमलासुर की संगति में रहकर वीनू चोर डाकू और लुटेरा बन गया है। आप तो जानते हैं मंगलमूर्ति कि गणेश निंदक वीनू को अब हत्या लूटमार में आनंद आने लगा है। वो दैत्यों के समान असुरों के समान क्रूर हो गया है प्रभु। जो हम जानते हैं, वह तुम हमें क्यों बता रहे हो दयासुर? वह बात बताओ जो हम नहीं जानते। प्रभु प्रभु, मुझे और रंजित ना करें। मैं बिना सोचे समझे ही बोलता चला गया। हे प्रभु, आप तो परमदेवी महागणेश के परम पूज्य और प्रथम अवतार हैं। भला आपसे संसार की कौन सी घटना छुप सकती है? मैं तो केवल आपका आदेश पाने यहाँ आया था। आदेश पाने के लिए तुमने हमसे इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करवाई दयासुर? एक और हमें गणेश भक्त महाराज महारानी के पुत्र समान युवराज चंद्र के की चिंता है, तो दूसरी ओर देवकी और विजया की जो पूरे मन से हमारी भक्ति में लीन है। विजया? ये विजया कौन है प्रभु? मैं तो केवल देवकी बुआ के विषय में जानता हूँ, विजया के विषय में मैं कुछ नहीं जानता। फिर तुम सभी गणेश भक्तों के सुख दुख को जानने का अभिमान क्यों करते हो? सच क्यों नहीं कहते कि तुम्हें भक्तों की सेवा और सहायता करने में आनंद नहीं आ रहा है? नहीं नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। भक्तों की सेवा करने में तो सच्चा आनंद मिलता है, परम सुख मिलता है। मैं आपसे और कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। आप जो कहेंगे मैं केवल वही करूँगा। जय जय श्री महागणेश। कौशलपुर का युवराज चंद्र केतु वास्तव में चंद्र केतु नहीं है, देवकी का खोया हुआ भतीजा दीनू है। ये तो तुम जानते ही हो ना? दीनू को पता चल गया है कि वो चंद्र केतु नहीं है, परंतु वह वीनू का जुड़वा भाई है। इस विषय में वह कुछ भी नहीं जानता। तो क्या प्रभु वो? हाँ, वो अपने जन्म देने वाले माता पिता और अपने जन्म स्थान की खोज में कौशलपुर से निकल चुका है। अब तुम उसका मार्गदर्शन करो और उसे संकेत दो कि उसको और उसके जुड़वा भाई वीनू को जन्म देने वाले माता पिता अब इस संसार में नहीं है। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश। जय श्री महागणेश। मंगलमूर्ति श्री गणेश ने मुझे देवकी बुआ के खोए हुए भतीजे दीनू की सहायता करने की आज्ञा दी है, परंतु जब तक मुझे दीनू मिल नहीं जाता तब तक मैं उसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? हर स्थान पर देख लिया, पता नहीं कि दीनू कहाँ चला गया। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ये तो दूसरा वीनू दिखाई पड़ता है, वही चेहरा मोहरा, वही रूप रंग। श्री महागणेश की लीला भी अद्भुत है, एक भाई को युवराज बना दिया और दूसरे को चोर लुटेरा। परंतु मुझे इसका मार्गदर्शन तो करना ही होगा। जय जय श्री महागणेश। देखने में तो तुम किसी गणेश भक्त राज्य के युवराज लगते हो, मैं भी एक गणेश भक्त हूँ। श्री गणेश की इच्छा और संयोग से इस गुफा में तुमसे भेंट हो गई। प्रणाम साधु बाबा। क्या ये गुफा आपकी है? जय जय श्री महागणेश। मैं तो रमता योगी हूँ, बहता पानी हूँ, आज यहाँ तो कल वहाँ। इस संसार में मेरा कुछ भी ना होते हुए सब कुछ मेरा है, क्योंकि इस संसार को वरदान देने वाले
मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश ही हैं। धन्य हैं आप और धन्य हैं आपकी श्री महागणेश भक्ति। परंतु तर्क शास्त्र में वाणी की दरिद्रता को उचित नहीं माना जाता। अपनी बात निसंकोच होकर कहो वत्स। साधु बाबा, श्री गणेश मेरे भी आराध्य हैं। मैंने भी उनकी सच्चे मन से भक्ति की है, परंतु वे मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं। ऐसा क्यों कहते हो वत्स? आप नहीं जानते साधु बाबा, मैं अपने राज्य से, अपने जन्म स्थान, अपने जन्म देने वाले माता पिता की खोज में कई सैनिकों के साथ निकला था, परंतु दुर्भाग्य से वे सब बिछड़ गए और मेरा अश्व भी न जाने कहां चला गया। जय जय श्री महागणेश। तुम कहते तो अपने को भक्त हो, किंतु भगवान की लीला को नहीं पहचानते वत्स। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा इसी प्रकार लेते हैं, और जो सफल हो जाते हैं वो उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। भगवान के संकेत को समझो युवराज चंद्र केतु। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आज से पहले तो मैंने आपके दर्शन कभी नहीं किए। जय जय श्री महागणेश। परम देव श्री महागणेश की कृपा से मैं तुम्हारा यही नाम नहीं, तुम्हारे जन्म का नाम भी जानता हूँ। क्या है मेरे जन्म का नाम? दीनू। तुम्हारे जन्म का नाम दीनू अर्थात दीनानाथ है, इसलिए तुम पर दीनों के नाथ भक्त वत्सल भगवान श्री गणेश की परम कृपा है। तब तो आप मेरे विषय में सब कुछ जानते होंगे साधु बाबा। अवश्य मेरे आराध्य तो घरता श्री गणेश ने मेरे दुखों का अंत करने के लिए आपको मेरे समीप भेजा है। मेरी यात्रा सफल हुई। बताएं कौन है मेरे माता पिता, कौन है और कहाँ है? मैं उनसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूँ साधु बाबा। कृपा करके मुझे बताएं कि वे कौन है। मेरी सहायता करें साधु बाबा, मेरी सहायता करें। आप मौन और गंभीर क्यों हैं साधु बाबा? क्या आप मेरी सहायता नहीं करना चाहते? मैं तुम्हारी सहायता करने ही यहाँ आया हूँ बस। परंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें सत्य बताऊँ या नहीं। बस हो सकता है इस सत्य को सुनकर तुम्हें गहरा आघात लगे। ये भी हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ही ना हो। एक गणेश भक्त साधु की बात पर विश्वास न करके मैं पापी बन जाऊंगा। आप मुझ पर लगने वाले आघात की चिंता ना करें साधु बाबा। मुझे सत्य बता दें, मैं हर आघात को सह लूंगा। बस एक अशुभ मूल नक्षत्र में अपने जुड़वे भाई वीरू के साथ तुम्हारा जन्म हुआ था, परंतु अशुभ नक्षत्र के कारण कुछ समय पश्चात तुम्हारे माता पिता स्वर्ग सिधार गए। तुम्हारी बुआ देवकी ने तुम दोनों का पालन पोषण किया, परंतु जब तुम 13 महीने के थे तब कौशलपुर के राजपुरोहित यदुनाथ जी ने तुम्हारा अपहरण करके तुम्हें राजा चंद्रधर और रानी चंद्रवती को सौंप दिया। इसके आगे की कथा मैं जानता हूँ। अब केवल इतना बता दें साधु बाबा कि मेरा जुड़वा भाई विनु और मेरी बुआ देवकी कहाँ हैं? चंद्रपुर में। जय जय श्री महागणेश। धन गणेश जी, मेरा भतीजा विनु पाप और अपराध के मार्ग पर चल पड़ा है, अन्यथा ये बहुमूल्य आभूषण उसके पास कहां से आते? ये तो किसी रानी महारानी के गहने लगते हैं। हे मंगलमूर्ति, मेरे विनु पर कृपा करो, उसे सद्बुद्धि दो कि वो दुराचार का मार्ग छोड़कर भक्त और सदाचारी बन सके। मुझे उसकी चिंता खाई जा रही है। हे त्रिकालदर्शी, हे हर मन की बात जानने वाले अंतर्यामी श्री गणेश, आप जानते हैं मैंने अपनी माता के वचन की रक्षा के लिए विनायक जी को मन ही मन अपना पति मान लिया है। मैं उन्हें नास्तिक से आस्तिक,
दुराचारी से सदाचारी बनाने का प्रण कर चुकी हूँ। मेरा संकल्प सफल करना श्री गणेश, मुझे पूरा विश्वास है आप वीनू को सन्मार्ग पर लाकर देवकी मौसी और मेरी कामना पूरी करेंगे। यदि मैं इनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ तो ये वीनू का पता जानने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगी। इस समय तो आकाशवाणी करना ही सर्वोत्तम उपाय है दयासुर। भक्तिमती देवकी और विजया, तुम्हारा वीनू कुसंगति में पड़कर दुराचारी और दुष्ट बन गया है। परंतु आप दोनों की सच्ची गणेश भक्ति और श्री गणेश कृपा से पाप के मार्ग पर चल पड़ा वीनू एक न एक दिन लौटकर अवश्य आएगा। यह आभूषणों की पोटली स्वीकार न करके आपने अपनी सच्चाई का परिचय दिया है। इसे वीनू को ही लौटा दिया जाएगा और सावधान भी किया जाएगा कि वो पाप अपराध और दुराचार के मार्ग को छोड़ दे। जय जय शिवा गणेश।